ओके जी, HTML हमारा मॉड्यूल 1 में सबसे पहला जो मेन टॉपिक है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, किसी को पता है? एनीवन हु नोज व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज? चले हमजा ही बता दें। चलें, कोई बात नहीं। ओके जी, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, हम आगे टॉपिक आएगा हम वो पढ़ते हैं उसको। ओके जी, स्क्रीन जी क्लियर व्यू आ रहा है सबको? जूम प्रॉपर है? ओके जी, इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू HTML के। आज हम देखेंगे कि HTML का इंट्रो क्या है और HTML क्या है। तो व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। के हमारी जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, उसका स्ट्रक्चर जो आप लोगों को सामने मेन व्यू पे नज़र आ रहा होता है, वो HTML की बदौलत ही बनाया जाता है, HTML को यूज़ करके। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। के मार्कअप के ज़रिए इसको HTML के वेब पेज के को स्ट्रक्चर किया जाता है। इसका कोड जो है, एक्चुअल में अगर आप लोगों ने सिर्फ सिर्फ ये कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लें तो वेल एंड गुड, क्योंकि यही सारी चीज़ें इस पूरे HTML में आ रही होंगी। कि HTML मतलब ये तो थ्योरी है। HTML क्या करता है, मार्कअप के ज़रिए वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा होता है, और HTML केस सेंसिटिव नहीं है। तो HTML का कोड जो होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूं HTML का कोड, H1, दिस इज़ द HTML, ये आपका मार्कअप है। इसे H1 ये टैग होता है, और इस पूरे को एलिमेंट कहा जाता है। H1 क्या है, ये मेन हेडिंग होती है हमारी हमारी वेबसाइट में जितनी हेडिंग्स होती हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे प्रोग्रामिंग से पहले हर किसी ने, जो कंप्यूटर के यूज़र हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड ज़रूर यूज़ किया होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप कोई हेडिंग्स वगैरह लिख रहे होते हैं, तो हेडिंग का फॉन्ट साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। उसके नीचे आप कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं तो उसका साइज़ छोटा होता है। तो इसी तरह अगर कोई हम हेडिंग लिख रहे होते हैं, या लेट्स सपोज आप लोग नोट पैड पर भी लिख रहे होते हैं, कुछ हेडिंग लिख रहे होते हैं और कुछ आप लोग पैराग्राफ्स वगैरह लिख रहे होते हैं, तो सेम इस तरह ही प्रोग्रामिंग में HTML में हेडिंग इस तरह हम लिखते हैं, और पैराग्राफ के लिए ये P का टैग हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ मार्कअप। तो अच्छा जी, इन केस सेंसिटिव की बात हो रही थी। लेट्स सपोज ये P हम लॉयर केस में लिख रहे हैं, अगर आप इसको P कैपिटल इस तरह केस में लिखते हैं तो तब भी ये वैलिड है। लेकिन हमने क्या करना है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी जो है वो लॉयर केस में ही हम लिखते हैं। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह भी, P को P कर सकते हैं, H1 इस तरह भी लिख सकते हैं इस तरह। लेकिन जब भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे और बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क कर रहे होंगे, या बड़ी कंपनीज का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, आपको कोई कोड मिलेगा, आप लोगों को लॉयर केस में ही कोड मिलेगा। तो इसलिए हम भी जितना कोड करेंगे वो लॉयर केस में ही करेंगे। जी क्लियर है इतना, कि HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ओके, उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। मार्कअप लैंग्वेज आर लैंग्वेज यूज बाय कंप्यूटर टू एनोटेट आर डॉक्यूमेंट। दिस लैंग्वेज आर रीडेबल बाय ह्यूमंस, विच मीन्स डैट दे आर यूजली रिटन यूजिंग स्टैंडर्ड वर्ड्स इंस्टेड ऑफ टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी। के इसमें कोड जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल्स नहीं होती हैं, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये जो कोड है, ये कोड है, ये ह्यूमन रीडेबल है। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। हमने आगे जाके जब कोडिंग करनी है, लेट सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ कोड करके, हम div यूज़ करते हैं इस तरह किसी भी सेक्शन को
डिवाइड करने के लिए हम डिव का टैग यूज़ करते हैं। हमने कोई सेक्शन बनाना हो, हम इस तरह सेक्शन बना रहे होते हैं। हमने लाइन को ब्रेक करना हो तो हम बी आर का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ह्यूमन रीडेबल है। हमने कोई कोड लिखना है, फॉर एग्जांपल इस तरह हम कोडिंग कर रहे होते हैं, उसमें कोई कोड लिखना है, हम कोड लिख रहे होते हैं। हमने कोई ऑडियो की फाइल इंक्लूड करनी है, हम ऑडियो का टैग यूज़ करते हैं। हमने कोई वीडियो का टैग वीडियो यूज़ करनी है तो हम इस तरह वीडियो का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ह्यूमन रीडेबल है। मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है। जी क्लियर है यहाँ तक कि HTML क्या है और मार्कअप लैंग्वेज क्या है। थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद हमने पूरे कोर्स में प्रैक्टिकली बस करना है। थोड़ी सी आप लोगों की बेस बन जाए कि एक्चुअल में HTML क्या है और इसका इंट्रोडक्शन मिल जाए आप लोगों को, तो उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली बस करेंगे। जितने हमारे इसके एलिमेंट्स वगैरह हम उसको देखेंगे साथ साथ, और प्योर कोडिंग ही हम कर रहे होंगे। जी यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। द हिस्ट्री ऑफ HTML, HTML 1991 में फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुई थी, HTML 1.0। उसके बाद HTML 2.0 आई, देन 3.0, 4.0, और इस टाइम लेटेस्ट वर्जन जो है HTML का वो है HTML 5। इस टाइम लेटेस्ट वर्जन है पूरी दुनिया में। तो ओके जी, एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस बुक HTML 5 इज़ द फिफ्थ एंड करंट मेजर वर्जन ऑफ द HTML स्टैंडर्ड। सो जो कि फर्स्ट रिलीज़ हुई थी 22 जनवरी 2008 को, और उसके बाद एक इसकी अपडेट मेजर आई थी वो 2014 अक्टूबर में आई थी। सो डैट वाज हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम इसकी कोई हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं आएगी, बस वो थियोरेटिकल है तो वो पढ़ना चाहिए। जी अब आ रही है क्लियर? जी जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आप बताइएगा आपको आ रही क्लियर, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल के वो जिस ISP यूज़ कर रही हैं तो उनका इशू ना आ रहा हो। बस ओके जी, वाई लर्न HTML? इट इज़ एसेंशियल टू लर्न HTML इफ़ यू वांट टू बिल्ड वेबसाइट। कि अगर आप वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको HTML 5 आनी चाहिए। अगर आपको HTML 5 नहीं आती है तो आप कोई भी वेबसाइट को बना नहीं सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ये अगर आप लोग कोई घर बनाना चाहते हैं और किसी रूम में रहना चाहते हैं, स्ट्रक्चर जो आपका बनना है वो ईंटों से बनना है या वट एवर जिस भी मटेरियल से बन रहा हो, अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो वो रहने के काबिल नहीं होगा। आपके पास पेंट है, आपको पेंटिंग करना आती है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना आती है, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा होगा तो वो किसी भी काम में नहीं आएगी वो चीज़। तो दिस इज़ HTML 5 के, जब भी आप लोगों ने कोई वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए HTML 5 बहुत ज़रूरी है, और विदाउट HTML आप लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जिसको जिस चीज़ की समझ ना लग रही हो वो काइंडली साथ साथ पूछते जाएं, ताकि आप लोग की कंफ्यूजन जो है वो भी क्लियर होती जाए, तो हम इस तरह स्पीड से आगे कंटिन्यू भी करते जाएंगे। ओके जी, उसके बाद HTML 1.2 में हेडिंग पैराग्राफ जो भी हमने देखा था, HTML 5 में जो है ऑडियो वीडियोस वगैरह भी आ गई जो कि HTML 4 तक नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर है,
हमारी वेबसाइट का, अगर आप लोगों ने वेबसाइट विजिट वगैरह करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की एग्जांपल लें, हम फेसबुक पे आ जाते हैं लेट्स सपोज, या फिर इस वेबसाइट पे ही देख लें अगर, या हम फेसबुक लो पे आते हैं, फेसबुक पे आए और ये फेसबुक का पेज, अगर आप लोग देखें ये फेसबुक का हेडर है, ये इसका मेन बॉडी कंटेंट है। अगर हम इसकी लॉगिन स्क्रीन में आते हैं, ओके जी, सो दिस इज़ फेसबुक पेज। अब फेसबुक के इसके अपने पेज में यहाँ पे कोई हेडर नहीं फ़िलहाल लगा हुआ है, लेकिन मेन बॉडी कंटेंट है, और ये इसका फुटर है जिसमें नॉर्मली साइन अप के लिंक्स वगैरह हैं, या कॉपीराइट का साइन वगैरह होता है, जिस तरह ये है मेटा कॉपीराइट 2021। सो दिस इज़ फुटर। अगर हम गूगल की बात करें, गूगल विज़िट करते हैं हम, अब गूगल में इसका मेन जो है ये हेडर है, ये इसका मेन बॉडी कंटेंट है। लास्ट पे चले जाएं तो ये इसका फुटर है यहाँ पर। तो जितनी भी वेबसाइट होती हैं उसमें हर किसी में हेडर उसका मेन कंटेंट है और फुटर लाजमी होता है। इसी तरह इस वेबसाइट में ये इसका हेडर है, जिसमें नॉर्मली नैव बार्स वगैरह आ रहे होते हैं, नेविगेशंस होती हैं एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। अगर हम इस वेबसाइट को भी ओपन कर लें, ओके जी, ये वेबसाइट लोड हो रही है। अब ये जो वेबसाइट बनी है ये रिएक्ट पे बनी हुई है। अब इस पेज का ये हेडर है यहाँ तक, जहाँ पे ये लोगो आ रहा है, ये लिंक्स वगैरह आ रहे हैं, ये बटन्स आ रहे हैं, सो दिस इज़ हेडर। अब उसके नीचे जितना भी है ये सारा का सारा ये मेन कंटेंट है इसका, इस वेबसाइट का। और जब हम लास्ट पे पहुँचेंगे इस वेबसाइट के पेज में, वहाँ पे आप लोग को ये देखें ये एक फुटर नज़र आ जाएगा, जहाँ पे फुटर में डॉक्यूमेंट्स लेट सपोज वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट किस तरह की बनी है और उस वेबसाइट के क्या लिंक्स हो सकते हैं, डॉक्स है कि इसको यूज़ करने के डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी नॉर्मली होती है, और टर्म्स एंड कंडीशंस ही फुटर में मोस्टली आती है, या कुछ सोशल लिंक्स वगैरह भी आ जाते हैं। कुछ वेबसाइट में सोशल लिंक्स आपको फुटर में मिलेंगे, कुछ सोशल लिंक्स आपको कुछ वेबसाइट्स में हेडर में मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कौन सी है और किस तरह की है और उसका स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जा रहा है। अब ये जितना डिज़ाइन वगैरह है, ये डिज़ाइनिंग जो है ये सारी की सारी CSS के ज़रिए की जाती है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो बनाना है, लेट्स सपोज सिर्फ लोगो वगैरह, लोगो यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन लिंक्स यूज़ कर सकते हैं, ये टेक्स्ट वगैरह तो लिख सकते हैं, ये इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्टाइलिंग जो है वो HTML की मदद से नहीं होगी। HTML में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया जाता है पेज का, और उसके बाद फिर स्टाइलिंग जो है वो CSS के ज़रिए की जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, हेडर मेन कंटेंट, उसके बाद ये फुटर। सो दिस इज़ आवर, एक बॉडी का टैग होता है जब हम कोड पे आते हैं, उसमें हम देखते हैं मेन जो है बॉडी का टैग, बॉडी के अंदर है ये हेडर का टैग, देन मेन टैग, और उसके बाद ये फुटर का टैग। हेडर में आपका हेडर कंटेंट आता है, मेन में आपका मेन कंटेंट जितना भी है, जिस तरह इस वेबसाइट में है हेडर का जितना कंटेंट है सारा का सारा इसमें है, यहाँ तक हेडर के टैग के अंदर है। मेन कंटेंट जितना भी है वो सारा का सारा मेन टैग के अंदर है, और फुटर में फुटर का कंटेंट फुटर के अंदर है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, बॉडी, बॉडी में हेडर, हेडर के साथ ही मेन, मेन के साथ फुटर, और ये बॉडी आपका क्लोज हो गया। टैग्स एंड एलिमेंट्स, व्हाट आर HTML टैग्स? टैग्स आर यूज टू मार्क अप द स्टार्ट ऑफ एन HTML एलिमेंट एंड दे आर यूजली इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स। तो दिस इज़ द एंगल ब्रैकेट, सबको पता होगा ये एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं। HTML टैग्स आर एलिमेंट नेम सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट्स है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ टैग इज H1। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये एंगल ब्रैकेट्स आ गए, जब हम इसमें H1 लिखेंगे तो ये एक टैग बन जाएगा, दिस इज़ द टैग है। अब इसके अंदर लेट्स सपोज हम हेडिंग लिखेंगे, और इस
H1 को हेडिंग के टैग को हम क्लोज करेंगे। आपका टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसे ओपनिंग टैग भी कहते हैं, इसे ओपनिंग टैग भी कहते हैं और इसे स्टार्टिंग टैग भी कहते हैं। सो दिस इज एंडिंग टैग या फिर क्लोजिंग टैग। इन दोनों टैग्स के अंदर, ये दोनों टैग्स स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने जो भी लिखना है वो सारा का सारा एक यूज़र को नज़र आ रहा होता है। अभी बस ये मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा रहा हूँ, जब ये हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे फिर इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल हम करेंगे। ओके, मोस्ट टैग्स मस्ट बी ओपनड H1 एंड क्लोज्ड H1 इन ऑर्डर टू फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, H1 ने हमने इसको ओपन किया और हमने इसको क्लोज़ किया, सो दिस इज़ अ हेडिंग। अब ब्राउज़र में हमें जो नज़र आएगा वो ये कंटेंट हमें नज़र आएगा। ये तो टैग्स हो गए, ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। HTML एलिमेंट क्या होते हैं? मे बी आप लोगों ने कुछ मेरे से ये बार बार अल्फाज सुना भी होगा कि एलिमेंट, या मैं कभी टैग कह रहा हूँ या मैं कभी एलिमेंट कह रहा हूँ। तो टैग का तो पता लग गया आपको, दिस इज़ अ टैग H1, ये ओपनिंग टैग है। क्लोजिंग टैग जो होता है सेम ओपनिंग टैग की तरह होता है, लेकिन लेस देन, ये लेस देन का साइन जो है एंगल ब्रैकेट्स, उसके फ़ौरन बाद फॉरवर्ड स्लैश आता है और उसके बाद जो टैग होता है ओपनिंग में वही लिखा हुआ होता है। सो ये क्लोजिंग टैग है, जस्ट लाइक दिस H1 हमने ओपन किया, लेस देन साइन H1, ग्रेटर देन साइन ओपनिंग टैग बन गया। दिस इज़ अ हेडिंग, कंटेंट हमने सारा लिख लिया, लेस देन का साइन, फॉरवर्ड स्लैश H1 और ग्रेटर देन साइन, तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। अब ये हमारा एक पूरा टैग जो है वो कंप्लीट है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट? एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। टैग नेम जस्ट लाइक दिस H1, यहाँ पे H1 आ जाएगा, कंटेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपने लिखना है, और यहाँ पे H1 को हमने क्लोज कर दिया। तो स्टार्ट से लेकर ये ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक जितना भी कंटेंट समेत, टैग नेम भी, कंटेंट भी और ये क्लोजिंग टैग भी, ये सारा का सारा आपका एलिमेंट कहलाएगा। द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। अब ये जो है, अगर इसमें ये जो है, ये आपका पूरा एक एलिमेंट है आपका, ये सिर्फ एक टैग है, ये ओपनिंग टैग है, ये आपका एक टैग है, क्लोजिंग टैग है क्योंकि ये फॉरवर्ड स्लैश लगा है। अब एलिमेंट जो आपका पूरा होगा वो ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक, या फिर स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक, मतलब जो भी आप कुछ भी कह सकते हैं, ओपनिंग कहना ओपनिंग कह लें, स्टार्टिंग कहना है स्टार्टिंग कह लें। सो दिस इज़ एन एलिमेंट। उसी तरह ये पैराग्राफ का है, माई फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है जो कि ब्राउज़र में नज़र आएगा। ब्राउज़र में आप लोग को ये एलिमेंट्स इस तरह नज़र नहीं आएंगे, टैग्स आपको नज़र नहीं आएंगे, उन टैग्स के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा वो आप लोग को आपके ब्राउज़र पे, आपकी वेबसाइट पे नज़र आएगा। ओके जी, सो दिस इज़ पी का टैग, पैराग्राफ, उसके अंदर ये कंटेंट और ये क्लोजिंग टैग, और ये ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक ये आप लोग का एलिमेंट बन जाता है। जी क्लियर है यहाँ तक? किसी का भी कोई भी सवाल हो तो वो काइंडली यहाँ तक पूछ सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी एनीवन? क्लियर है यहाँ तक? इतना तो बता देंगे क्लियर है। ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ओके जी, HTML टैग्स आर नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज कॉल्ड द ओपनिंग टैग और स्टार्टिंग टैग। द सेकेंड टैग इज कॉल्ड द क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग। द क्लोजिंग टैग इज रिटर्न लाइक द ओपनिंग टैग, सेम लाइक ओपनिंग टैग बट विद द फॉरवर्ड स्लैश इंसर्टेड बिफोर द टैग नेम, के टैग नेम से पहले
ये टैग नेम जो आपका आ गया, इससे पहले फॉरवर्ड स्लैश आएगी। द करेक्टर्स इन द ब्रैकेट्स इंडिकेट द टैग्स पर्पस, के ब्रैकेट्स के अंदर जो टैग का जो भी नाम लिखा होता है या करेक्टर है वो इंडिकेट करता है कि टैग का पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन द टैग्स अबव द पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, एच वन होता तो यहाँ पे हेडिंग आ जाता। ओके जी, HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस, ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स, के ब्राउज़र जो हैं वो HTML के टैग्स को शो नहीं करवाते हैं, वो नहीं दिखाते हैं, बट यूज़ देम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ द पेज, के उन एलिमेंट्स या उन टैग्स को यूज़ करके वो पेज में हमें कंटेंट दिखाते हैं उन टैग्स को रेंडर करके। ओके जी, अब वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज है, ये आपका कोड है जो बहुत ही एक ये बेसिक स्ट्रक्चर वेब पेज है, और ये जो कोड है आपके जितने भी HTML के पेजेस बनेंगे, फॉर एग्जांपल आपका होम पेज जो होता है, मेन पेज जो होता है जिसे लैंडिंग पेज भी कहा जाता है, होम पेज भी कहा जाता है, लैंडिंग पेज भी कहा जाता है। लैंडिंग पेज से मुराद के जब भी फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट लोड होती है या आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, लेट्स सपोज गूगल डॉट कॉम हो गया, फेसबुक डॉट कॉम हो गया या याहू डॉट कॉम हो गया, वट एवर जो भी आप लोग या अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, किसी कंपनी की बनाते हैं, या लेट्स सपोज किसी रेस्टोरेंट की है या किसी शू कंपनी की है, उस कंपनी की वेबसाइट पे जैसे ही हम विज़िट करते हैं और उसका फर्स्ट पेज जो लोड होता है उसे लैंडिंग पेज कहा जाता है या उसे होम पेज कहा जाता है। तो जितने भी पेजेस होंगे, बेशक वो होम पेज हो या कोई और हो, उसमें ये कोड लाजमी लिखा होगा। डॉक टाइप HTML, अब ये देखें, लेस देन साइन या एंगल ब्रैकेट्स, एक्सप्लेनेशन मार्क्स आएगा आपका, इसमें ये डॉक टाइप कैपिटल में लिखा होगा, स्पेस के फौरन बाद HTML, और साथ ही ये क्लोज हो गया। उसके बाद HTML का कोड ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। आपका जितना कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है, वो सारा का सारा, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, वो सारे के सारे HTML के अंदर आएंगे। ये डॉग टाइप HTML क्या करता है, ये HTML का टैग क्या करता है, हेड का क्या करता है, टाइटल क्या करता है, बॉडी क्या करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये जब आप कोड लिख लेंगे, आप ये कोड लिख लेंगे तो उसका आउटपुट ये मिलेगा आपको। अब देखें आउटपुट जो आ रही है, सिर्फ ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, लेकिन ये जो है माय फर्स्ट वेब पेज, ये भी तो लिखा हुआ है लेकिन ये आपको शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हेड के टैग के अंदर लिखा है, बॉडी के टैग के अंदर नहीं लिखा है। आपका कंटेंट जो है या आपकी वेबसाइट का जितना भी डिस्प्ले है, जितना कंटेंट है, वो सारा का सारा जो बॉडी टैग्स के अंदर लिखा होगा या बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ वो नज़र आएगा आप लोगों को। जी क्लियर है यहाँ तक? ये कोड जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, अभी बस कोड देख लें, इसी को हमने आगे अब कोड करना है इंशाल्लाह। ओके जी, कोड जी 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 ये जब हम वेबसाइट पे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तो ये टाइटल में लिखा आता है। आपके ब्राउज़र जब भी आप कोई टैब ओपन करते हैं तो आपको टाइटल में जो भी इस ब्राउज़र के टैब में शो करवाना होता है वो हम हेड के टैग में, हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग, टाइटल के टैग में कंटेंट लिखते हैं, तो वो ये नज़र आ रहा है। जी क्लियर है? ओके जी, अब कोड एक्सप्लेन करना। डॉग टाइप HTML के, डॉग टाइप HTML क्या करता है? डॉग टाइप HTML दिस डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप विच इज़ HTML5। अब हमने शुरू में देखा है कि हिस्ट्री ऑफ HTML, के HTML की हिस्ट्री है जिसमें 1.0 से लेकर 5.0 तक आ गया। अब जितने भी HTML के वर्जन थे उसमें
हर पेज को इंडिकेट करना मतलब डिफरेंट था। HTML 1.0 का कोड और था, 2 का और है, 3 का और, 4 का और 5 का और है। तो HTML 5, अगर हमने HTML को डिक्लेयर करना है कि HTML 5 है, तो फिर हमें रूट पे मतलब पहली लाइन पे ये कोड लिखना है, लेस देन साइन एक्सप्लेनेशन मार्क कैपिटल में डॉक टाइप स्पेस देकर HTML लोअर केस में, और फिर इसको हमने क्लोज कर देना है। ये HTML 5 को डिक्लेयर करता है कि ये हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं वो HTML 5 है। अब ये HTML का टैग, दिस एलिमेंट इनक्लोजेज एवरी थिंग इन साइड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, इट इंक्लूड्स टैग्स, एलिमेंट्स, स्टाइल शीट्स। जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो हमने इंडेक्स सॉरी HTML की फ़ाइल में ही उसको लिंक करवाना है, यूज़ भी करना है। स्क्रिप्ट्स, जब हम जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे तो जावास्क्रिप्ट जो लिख रहे होंगे वो हम HTML की फ़ाइल में भी लिख सकते हैं, तो वो भी हम HTML के अंदर ही लिख रहे होंगे। तो टेक्स्ट को ही लिखना है हमने, मल्टीमीडिया यूज़ करना है, एंड अ लॉट मोर, वट एवर जो भी हम यूज़ कर रहे हो वो सारा का सारा हमने HTML में ही लिखना है। जिस तरह यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है HTML, और ये HTML क्लोज हो रहा है, इसके अंदर हमने जितनी भी हमने HTML लिखनी है वो सारी की सारी HTML के ही अंदर लिखनी है। हेड क्या करता है, दिस एलिमेंट इनक्लोजेज द मेटा डाटा ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द मेन कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, दिस कुड इंक्लूड स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट्स, टाइटल, मेटा टैग्स एंड अ लॉट मोर। मेटा टैग क्या होता है ये बस मतलब ही पढ़ लें, लेकिन हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। टाइटल हम साथ साथ यूज़ कर रहे होंगे, स्क्रिप्ट जब जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे तब हम स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे, जब हम CSS में पहुंचेंगे तब हम स्टाइल शीट्स को यूज़ कर रहे होंगे। टाइटल क्या करता है, दिस एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वेब पेज, इट अपेयर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ ब्राउज़र, के ब्राउज़र का जो अपर पार्ट होता है, जिस तरह अगर पहले ब्राउज़र्स जो आते थे उनमें टैब सिस्टम नहीं होता था, उसमें हर एक वेबसाइट एक अलग विंडो में ओपन होती थी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे ही आपको नज़र आ रही होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अभी यहाँ पे बात की जाए, ये जो है आपको HTML बिकम अ मास्टर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसी तरह वो टाइटल का जो कंटेंट होता था वो टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता था, लेकिन जब से टैब जाने लग गए हैं तो हमें टैब में नज़र आता है। बॉडी क्या है, दिस एलिमेंट इनक्लोजेज एलिमेंट्स लाइक H1, P, इमेज एंड अ लॉट मोर। H1 क्या करता है, दिस एलिमेंट डिफाइंस द लार्जेस्ट हेडिंग, के हमारे HTML में टोटल 6 हेडिंग्स हैं, H1 से लेकर H6 है। H1 जो है वो लार्जेस्ट हेडिंग है और H6 जो है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग है। H1 डिफाइंस करता है लार्जेस्ट हेडिंग और P डिफाइंस करता है पैराग्राफ। जी क्लियर है यहाँ तक, ये कोड था हमारा, और ये कोड जो है ये कोड ही हमने हर पेज में यूज़ किया करना है। मे बी H1 और P ना हो, हम अपने उस पेज में H1 या फिर P यूज़ ना कर रहे हो, लेकिन टाइटल हम लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं, बॉडी हम लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं, हेड भी कर रहे होते हैं। हेड और बॉडी हमने हमेशा HTML के अंदर रखना है, और ये डॉक टाइप HTML हमारे HTML 5 को डिक्लेयर कर रहा होता है कि हम जो कोड करने लगे हैं वो HTML 5 का कोड है। जी क्लियर है यहाँ तक, ओके जी नेक्स्ट। ओके जी ये आपका HTML का टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ। HTML के अंदर हेड का टैग क्लोज हुआ, इस हेड एलिमेंट के अंदर हमने एक और टाइटल का टैग लिखा, ओपन किया, उसके अंदर कंटेंट लिखा और उसको क्लोज कर दिया। तो ये जो टाइटल है ये आपके ब्राउज़र के अपर पार्ट पे नज़र आया करेगा, या टैब जो होगा उसमें नज़र आएगा। बॉडी के अंदर हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा हमें वेब पेज पे नज़र आया करेगा। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, दिस मीन्स HTML एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर HTML एलिमेंट्स। फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंड इट लुक एट द एग्जाम्पल कोड बिलो। ये देखें P का टैग, इस P के टैग के अंदर हम I का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब I का टैग क्या करेगा, I का टैग किसी भी टेक्स्ट को इटैलिकाइज कर देता है। तो ये देखें ये अब टेक्स्ट जो है ये इटैलिक हो गया है।
तो मतलब HTML सिंपल, यानी कि HTML एलिमेंट जितने भी हैं वो नेस्टेड हो सकते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, जस्ट लाइक दिस। अगर हम ये भी देखें तो हमारा जितना कोड है HTML के कोड के अंदर आ रहा होता है, HTML का कोड, और ये बॉडी का एलिमेंट आ गया। अब बॉडी का जो है ये HTML से नेस्टेड हो रहा है। अब बॉडी के अंदर भी मज़ीद एलिमेंट्स आ रहे हैं, H1 आ गया, H1 के अंदर भी मज़ीद एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो ये नेस्टेड हो सकते हैं इजीली। उसके बाद मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये नेवर स्किप द एंड टैग, सम HTML एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ़ यू फॉरगेट द एंड टैग। कि जब हम कोई कोड कर रहे हो, अब H1 का हमें पता है कि हमें इसको क्लोज भी करना है, तो H1 को हमें, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें एडिट नहीं हो रहा, PDF है वरना मैं आपको, या अगर हम इसे कॉपी कर सकें, जी इस तरह। अब ये देखें H1 का जो है, ओके जी, हमारी मीटिंग जो है एंड होने वाली है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। काइंडली आप लोग दोबारा से इसे ज्वाइन कर लें और जल्दी। जज़ाकअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी हसन अली बोलें। आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, उनका वेट कर लेते हैं। जी आई थिंक सर रिजवान रह गए हैं, तो उन्होंने ज्वाइन करना है। ऑलराइट जी सर, स्टार्ट करें हम? आई थिंक आ गए हैं सारे। जी मैं वही देख रहा था कि 19 पे हमने छोड़ा था।
सर एक नहीं आना, आधे तो नहीं आना। अच्छा एसटी आई जाती है तुम्हें। वैसे ज़्यादा बोरिंग तो नहीं है अब ये वाला लेक्चर आज वाला? ये तो स्टूडेंट्स बता सकते हैं, मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। नहीं आपको मुझे मजा आएगा, लेकिन आपको फिर वैसे थोड़ा बोरिंग हो सकता है। हाँ जी, वह दरअसल थ्योरी है ना एक्चुअल में, बस इनकी आज बेस बन जाए, ये नोट डाउन अगर साथ साथ करते जाएं, क्योंकि ये खुद जो लिख रहे होंगे बाद में यही फ़ायदेमंद रहेगा इनके लिए, इन्हें पता होगा कि हमने क्या लिखा नहीं है। इंशाल्लाह बड़े मेहनती बच्चे हैं। सर तो इंशाल्लाह आप जो है ना प्राउडली करेंगे इनको इनशाला आगे, जी, इनशाला इंशाल्लाह ठीक है इनशाला फिर अल्लाह हाफिज़। इनशाला। बस ये कि हो सकता है कि मतलब थ्योरी वैसे हर किसी को, हमें खुद भी बोरिंग लगती है, पर अब थ्योरी पढ़ाने में भी मज़ा आता है, तो थोड़ी बहुत मतलब इन्हें थ्योरी का पता लग जाए उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली करना आगे सारा सब कुछ, एक बार बस बेस बन जाए इनकी, उसके बाद तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। कौन सा कौन सा विशेष होगी? जी हो जाए हसन है। हसन अली, इनका वो हैंड रेज ही है दरअसल, इनसे मैंने पूछा था उस टाइम भी। आवाज नहीं आ रही थी सर। ओके जी, अब बारी है। जी सर। ओके जी, ऑल राइट। 3% लेफ्ट है, उनका वेट हो रहा है। देख लीजिए पहुंच जाएंगे अगर आप आ जाएंगे तो। गुड सर, लाफी लाफी जो है अहमद, अहमद 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 सर अहमद नजर नहीं आ रहे हैं। अहमद को कोई बंदा बता दे कि हमने ये कहा है कि दोबारा ज्वाइन करना है, अहमद शायद छोड़े हैं। तो इसीलिए सर मज़े की बात ये है कि इस वक्त जो क्लास होती है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है अपने बेड पे ले रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को नींद भी आ सकती है। सर का माइक बंद होता है कितना घबरावे, पता चल जाता है कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा, कौन सो रहा है कौन रो रहा है। अहमद नहीं है, अहमद से कोई बंदा अगर आता है फिर सर जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बता देते हैं कि ये है क्या खैरियत है। नींद तो नहीं आ रही है, जगह ये हो। बिलाल है भी नहीं है। सर मेरा ख्याल है हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारा भी टाइम जी वेस्ट ना हो, जी क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, जी तो जी वो हो बात। गया, अहमद भी आ गया। हाँ जी, जी जी वो जी 18 हो गए हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, सो दिस इज़ द कोट, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो अगर हम इस तरह भी लिखें, लेट्स सपोज डॉक टाइप HTML, हमने लिख लिया, हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी फाइल जो है वो HTML5 हम यूज़ करने लगे हैं, और हमने HTML5 का कोड करना है। हमने HTML का कोड ओपन किया और HTML इसको क्लोज़ कर दिया, बॉडी का टैग और बॉडी का टैग क्लोज़ किया, इसके अंदर हमने हेडिंग एक लिख ली और पैराग्राफ लिख लिया। ये अगर आप इस तरह भी लिख लें, इस कोड ने वर्क तो करना है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बाद में कुछ एलिमेंट से वो करेक्टली डिस्प्ले तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमारा कोड जो है वो ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से हमेशा एंड टैग भी हमें लाजमी यूज़ करना है। यहाँ पे देखें H1 और P, आउटपुट इसकी सेम वही आएगी अगर आप इसको क्लोज़ कर भी दें, लेकिन अगर आप इसे क्लोज़ नहीं करते हैं और नेक्स्ट कोई एलिमेंट्स वगैरह लिखने लग जाते हैं, तो आपका इन फ्यूचर किसी एक एलिमेंट की वजह से आपका कोड और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी ख़राब हो सकता है। ओके जी, उसके बाद एम्प्टी एलिमेंट्स, हमने ऊपर जो देखे एलिमेंट्स H1 है, P है, तो इनके दरमियान में कंटेंट होता है, जैसे ये कंटेंट है इसमें, दिस इज़ अ हेडिंग, ये कंटेंट है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये कंटेंट है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट्स भी होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स दैट डू नॉट हैव एन एलिमेंट कंटेंट एंड एन एंड टैग। एम्प्टी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं में कोई कंटेंट नहीं होता है और एंड टैग भी नहीं होता है। द बी आर टैग डिफाइंस अ लाइन ब्रेक, कि बी आर का टैग जो है, जो मैंने स्टार्ट में बताया भी था कि बी आर का टैग है, एक लाइन ब्रेक डिफाइन कर रहा होता है, और एक ये एक एम्प्टी एलिमेंट है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है।
अब ये इसने इस तरह ही वर्क करना है। कोड क्या, ये देखें, पी का एलिमेंट, पी का हमने ये टैग ओपन किया, ये हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब इस पैराग्राफ के हमने कहीं पे लाइन को ब्रेक करना है, तो ये क्या होगा, दिस इज़ आ के बाद हमने एक ब्रेक लाइन का कोड लिख दिया, हमने एक एलिमेंट यूज़ किया, हमने इसे ओपन किया। अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे यूज़ ना भी करें तब भी ये वर्क करेगा, लेकिन इसे यूज़ कर लें तो वेल एंड गुड। तो अब ये देखिए, एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसके दरमियान कोई कंटेंट नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लाइन को ब्रेक कर रहा है। अब इसका आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है इसका, ये देखें, दिस इज़ अ बी आर यूज़ किया, लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा एक न्यू लाइन में आ गया। अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज एम्प्टी एलिमेंट्स, मेटा एलिमेंट ये एम्प्टी एलिमेंट है, लिंक एम्प्टी एलिमेंट है, इमेज का जो टैग है जिसके ज़रिए हम इमेज यूज़ कर रहे होते हैं, अब क्योंकि इमेज में हम कोई कंटेंट तो नहीं लिखते हैं तो इस वजह से इमेज का टैग भी एम्प्टी एलिमेंट है। बी आर का टैग है ब्रेक लाइन, ये भी एम्प्टी है। एच आर स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, हम कोई हॉरिजॉन्टल रूल ऐड करना चाहते हैं तो हम एच आर का टैग यूज़ करते हैं। इनपुट का टैग जो है जिसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं तो वो भी एक एम्प्टी एलिमेंट है। द बेस्ट प्रैक्टिस इन HTML एम्प्टी एलिमेंट्स इज़ टू ऑलवेज पुट अ फॉरवर्ड स्लैश साइन बिफोर द ग्रेटर देन साइन। अगर ये मेटा का टैग, लेट्स सपोज मेटा का टैग हमने, इसमें कोई कंटेंट होता और ये एम्प्टी एलिमेंट ना होता तो हम इसको कैसे लिखते। मेटा का टैग हमने ओपन किया, एंगल ब्रैकेट्स फॉरवर्ड स्लैश मेटा, और ये क्लोज हो गया। अगर ये एम्प्टी एलिमेंट है तो हम इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जैसे ही हम टैग का नेम लिखें स्पेस देकर फॉरवर्ड स्लैश एक ऐड कर दें ग्रेटर देन साइन से पहले, तो इस तरह हम इसे इसके अपने टैग के अंदर ही ओपन टैग में ही हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं जिसमें कोई एलिमेंट सॉरी कोई कंटेंट ना आ रहा हो। सो दिस इज एम्प्टी एलिमेंट्स। ओके जी, हमने ये सबसे पहले पढ़ा था, HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, पी मीन्स द सेम एज पी, H1 मीन्स द सेम एज H1, द HTML स्टैंडर्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड लोअर केस टैग्स, बट W3C रिकमेंड्स लोअर केस इन HTML एंड डिमांड्स लोअर केस फॉर स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंट टाइप्स लाइक XHHTML, वी विल ऑलवेज यूज लोअर केस टैग नेम्स। आई थिंक हमारा जी थियोरेटिकल यहीं पे रह गया। तो अब हम अपना पहला HTML का पेज क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग फर्स्ट HTML पेज। अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए कि हम प्रैक्टिकल अब सारा करें। ओके जी, सबसे पहला सवाल अक्सर होता है कि हम HTML को कहाँ पे लिखेंगे या फिर एडिट करेंगे। तो अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ ऑल यू नीड टू लर्न HTML, कि HTML को सीखने के लिए आपको सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स, हाउएवर फॉर लर्निंग HTML लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। विंडोज़ में जो विंडोज़ यूज़र हैं वो सिंपल अगर नोटपैड पे भी हम HTML लिख सकते हैं। macOS के जो यूज़र हैं उनमें नोटपैड की जगह टेक्स्ट एडिट होता है टूल या सॉफ्टवेयर कह लें एप्लीकेशन कह लें, और लिनक्स के जो यूज़र हैं Ubuntu वगैरह के उनमें भी टेक्स्ट एडिटर होता है, उनमें भी नोटपैड नहीं लिखा हुआ होता है। ओके जी, फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर ओपन नोटपैड ऑन विंडोज़ में नोटपैड ओपन करने के लिए आई थिंक सारों को ही पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप लोग सिंपल विंडोज़ प्लस एस प्रेस करें और यहाँ पे जाके नोटपैड लिख लें तो ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो अब हम अपने कोड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इसको बेशक जहन नशीन कर लें, याद कर लें कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी फाइल्स हैं वो किसी ना किसी एक फोल्डर में रखनी होती है, हम अलग अलग फोल्डर में अलग अलग फाइल्स में नहीं रख रहे होते हैं। तो सिंपल सबसे पहले
हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे न्यू पे गए और इस तरह हम फोल्डर बना सकते हैं। इसकी भी एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो तब भी ये न्यू फोल्डर एक क्रिएट हो जाएगा। जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? हसन अली का मैसेज आया है कि आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी ऑल राइट। जी हसन अली काइंडली आप अपना ये चेक कीजिएगा, बाकी सबको आवाज़ आ रही है। ओके जी वो आपने मैसेज कर दिया, वैसे साउंड इज़ वेरी क्लियर टू अस, बस ठीक है। ओके जी न्यू फोल्डर, सबसे पहले लेट्स सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है, प्रोजेक्ट का फोल्डर बना दिया। अब उस प्रोजेक्ट का जो भी नेम है, लेट्स सपोज हम HTML सीखने लगे हैं, तो हमने सबसे पहले HTML एक फोल्डर बना लिया, ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम है। तो इस HTML के अंदर अब जितनी भी फाइल्स होंगी हमारी, HTML की जितनी भी फाइल्स होंगी वह सब की सब हम अब इस HTML के अंदर ही रखेंगे और यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने नोटपैड, तो हम इसको रिमूव करते हैं। ओके जी हमने पीछे कोड देख लिया, सबसे पहले क्या करना है, हमने HTML5 डिक्लेयर करना है। तो HTML5 डिक्लेयर करने के लिए लेस देन साइन एक्सप्लेनेशन मार्क डॉग टाइप, हमने डॉग टाइप लिखना है, स्पेस देनी है और लॉयर केस में HTML लिखना है। ये हमने इस फाइल को बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML5 है। अब उसके बाद फौरन बाद हमने HTML ओपन किया और हमने साथ ही इसको क्लोज कर दिया। अब इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अगर हम H1 की सॉरी बॉडी और बॉडी, हमने बॉडी ओपन किया और बॉडी को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमारा जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा जो हम बॉडी में लिखते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वो ही नज़र आता है। बॉडी का टैग हो गया। अब इस बॉडी के अंदर अगर हम कोई हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल H1, और H1 हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर इस दोनों ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने जो कुछ लिखना है वो हमारे वेब पेज में नज़र आएगा एज अ लार्जेस्ट हेडिंग। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग। तो अब हमें नज़र क्या आने वाला है हमारे ब्राउज़र में, ये हमें नज़र आएगा। तो हमने सिंपल नोट पैड में यूज़ तो कर लिया, HTML5 डिक्लेयर भी कर दिया, HTML कर दिया, बॉडी में H1 लिख भी लिया। तो अब नोट पैड की फाइल अगर हम इसे वैसे सेव करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन जो बनती है, इसकी एक्सटेंशन .txt बनती है नोट पैड की या किसी भी टेक्स्ट फाइल की। तो हमारी ये जो एक्सटेंशन जो होगी HTML फाइल की वो HTML होगी। हमारी HTML की जितनी फाइल्स होंगी उसकी एक्सटेंशन जो बनेगी वो HTML बनेगी, जो फिर ब्राउज़र को भी पता लगेगा और हमें भी पता लगेगा कि ये HTML की फाइल है। तो इसको सेव करने के लिए सिंपल फाइल सेव करेंगे, हमने सेव कहाँ पे करना है, हमारा HTML का फोल्डर था HTML। वन मोर थिंग, ये हमेशा याद रखिएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं, हमारी फर्स्ट फाइल जो है या मेन फाइल जो कह लें, जो लैंडिंग पेज होगी या होम पेज होगी, वेबसाइट जब भी कोई विजिट करेगा सबसे पहला पेज जो भी वो विजिट करेगा उस फाइल का नेम जो होगा हमने index.html रखना है। फाइल नेम हमने हमेशा हमारी एक फाइल का नेम मेन जो फाइल है वो index.html होगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्लाउड में सर्वर वगैरह में डिप्लॉय करेंगे तो हमें उसको बताना नहीं पड़ता है कि उसने कौन सी फाइल को देखना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले मेन फाइल को index.html फाइल को ही
देखता है, अगर ये फाइल होती है तो हमारी वेबसाइट लोड हो जाती है, अगर index.html की फाइल उसको नहीं मिलती है तो हमारी वेबसाइट वर्क भी नहीं करती है, लोड भी नहीं होती है, वो पेज मिसिंग का एरर दे देता है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में index.html फाइल के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। तो अब देखें यहाँ पर ये index.html आ गया। अब जब भी मैं इसे ओपन करूँगा तो ये मेरे ब्राउज़र में ओपन होगी, और ये देखें दिस इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग। मैं यहाँ पर इसको कुछ एडिट करता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं H1 को ही एडिट करूँ, वी आर लर्निंग HTML5, इसको मैंने एडिट किया, मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं इस पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो जो कंटेंट मैंने अब लिखा है वो हमें यहाँ पर शो होगा। तो ये देखें वी आर लर्निंग HTML5, ये हमारी हेडिंग होगी, लार्जेस्ट हेडिंग। अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए पी का टैग ओपन किया हमने, पी का टैग हमने क्लोज़ किया, और इसके अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखना है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अब मैं इसको दोबारा सेव करूँगा, ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज, तो ये देखें दिस इज़ अ पैराग्राफ आ गया। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ सकते हैं आप लोग। फाइल सेव कैसे करती हैं? हमने नोटपैड को ओपन किया, फाइल में गए यहाँ पे, और सेव में, जब हम सेव करेंगे, ये तो इस टाइम एक बार ये फाइल सेव हो चुकी है, हम जब भी सेव करेंगे ये उसको ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर देगा। अगर हम सेव एज करते हैं तो हम इसकी एक और मज़ीद कॉपी बना सकते हैं। सेव एज पे करते हैं तो फाइल नेम जो है वो हमने हमेशा index.html रखना है। हमारी एक फाइल, एक प्रोजेक्ट फोल्डर में एक ही फाइल index.html की होती है। उस फोल्डर में, अगर उस फोल्डर के अंदर मज़ीद हम फोल्डर्स बनाते हैं तो उस फोल्डर में मज़ीद हम index.html की एक फ़ाइल रखते हैं, ताकि वो उस फोल्डर का जो मेन जो कंटेंट है वो लोड हो जाए। तो वक्त के साथ साथ जब हम उस लेवल तक पहुंचेंगे आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। तो फिलहाल सिंगल पेज जो है आप लोगों का, एक ये प्रोजेक्ट फोल्डर बना हुआ है HTML का, उस HTML में एक मेन फाइल जो होगी वो index.html की होगी। इसे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अभी मैं सेव करूंगा तो मुझे वो एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से एक फाइल सेव हुई हुई है। जी क्लियर है? ओके जी, उसके बाद सेव द HTML पेज, सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, सेलेक्ट फाइल, सेविंग इन द नोटपैड मेन्यू, नेम द फाइल index.html एंड सेट द इनकोडिंग टू UTF-8 विच इज़ द प्रिफर्ड इनकोडिंग फॉर HTML फाइल्स, व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउज़र। ये सब हमने करके देख लिया है। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर्स, ये तो हम सिंपल एक नोट पैड में कर रहे हैं, और नोट पैड पर वर्क करना बहुत ही मुश्किल भी कह सकते हैं और टाइम वेस्टिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पर जो है अगर आप देखें index.html, मैं बल्कि ये बाकी सारे लिंक्स रिमूव बंद कर देता हूँ। ओके जी, अभी देखें ये index.html लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हमने इसको चेंज करना है तो हमने क्या करना है, HTML के अंदर मज़ीद एक और हेड का टैग, हेड का टैग ओपन किया और हेड का टैग हमने क्लोज़ कर दिया। इस हेड टैग के अंदर हमने एक और टैग लेना है, कौन सा लेना है कोई बताएगा? एनीवन? जी, हमने यहाँ पे अब एक टाइटल का टैग लेना है। टाइटल टैग ओपन किया, टाइटल का टैग क्लोज़ किया, और इस टाइटल टैग के अंदर हमने क्या करना है, लेट्स सपोज
लर्निंग HTML 5। ये हमने पेज का नेम रख दिया है कि हम लर्निंग HTML 5 ये हमारे पेज का टाइटल है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिएगा यहाँ पे अभी आप लोगों को index.html नज़र आ रहा है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो हमने लिखा था अब वो आएगा यहाँ पे, ये देखें लर्निंग HTML 5 आ गया। ओके जी, ये इसका कोड है। हमने डॉक्टर HTML 5 को डिक्लेयर किया, HTML कोड ओपन किया, उसको क्लोज़ किया, हेड का टैग ओपन किया, क्लोज़ किया, उस हेड के अंदर टाइटल का टैग ओपन किया, क्लोज़ किया और उसके अंदर कंटेंट लिखा जो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। बॉडी का टैग वो जिसमें हम जो भी लिख रहे होंगे वो हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके जी, टेक्स्ट एडिटर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। HTML कोड कैन बी डन विदाउट एनी स्पेसिफिक टूल्स। इनफैक्ट इफ़ यू हैव अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर यू आर गुड टू गो। हाउ एवर, जस्ट बिकॉज यू कैन डू समथिंग डजंट मीन इट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट एंड डैट अप्लाइज टू वेब डिवेलपमेंट एज वेल। अब ये देखें, इसको कोड करने में और इसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में मैं बार बार टैब भी यूज़ कर रहा हूँ और ऊपर नीचे जाने में, और जब लेट सपोज हमारे पास काफ़ी सारा कोड आ जाएगा तो उसको पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE यूज़ कर लेते हैं। IDE क्या होता है, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज़ टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाने के लिए वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। An IDE normally consists of at least a source code editor, build automation tools and a debugger. तो IDE हम यूज़ करेंगे तो HTML files बनाना फ्री है, आप लोगों को कोई एक्सपेंसिव टूल्स या एप्लीकेशन परचेज नहीं करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ हैं, लुक एट द लिस्ट बिलो फॉर सम फ्री एप्स यू कुड यूज़ टू क्रिएट एडिट HTML files। Notepad है, Notepad जिसमें हमने वर्क किया। टेक्स्ट एडिट मैक ओएस के लिए, टेक्स्ट एडिटर जो है लिनक्स यूज़र्स के लिए। नोटपैड का ही नोटपैड प्लस प्लस भी एक एडिशन आता है, हम उसको देखते हैं। नोटपैड प्लस प्लस देखें, ये नोटपैड प्लस प्लस है, तो ये भी एक सोर्स कोड एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ही यूज़ हो रहा होता है। लेकिन हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पर एक और आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, VS कोड के नाम से VS कोड लिखेंगे, ये आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, ये इसकी वेबसाइट आ जाएगी। जो विंडोज़ के यूज़र्स हैं उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड फॉर विंडोज़ आएगा, मैक ओएस वालों के लिए मैक ओएस का आ जाएगा, लिनक्स वालों के लिए लिनक्स का ही बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है वही आप लोगों को शो करवाती है। तो ये कंडीशंस वगैरह जो लगती हैं ये फिर बाद में जावास्क्रिप्ट की मदद से लग रही होती हैं। तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने के लिए सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज़, तो ये VS कोड के लिए ये देखें 76.25 MB का ये सॉफ्टवेयर है, VS कोड यूज़र सेटअप। तो सिंपल स्टार्ट डाउनलोड करेंगे और ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, VS कोड लेट सपोज हमने डाउनलोड कर लिया और उसके बाद हमने इंस्टॉल भी कर लिया। तो इंस्टॉल करने के बाद ये जो फाइल है index.html की फाइल, हम प्रोजेक्ट फोल्डर में आते हैं। सो दिस इज़ द VS कोड, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये VS कोड का आइकन है विजुअल स्टूडियो कोड। ओके जी, अगर अब ये देखें, एक ये प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन है और उसमें अब ये देखें सिंपल ये HTML और CSS ही यूज़ हुई हुई है। अब इस प्रोजेक्ट फोल्डर में देखें आप लोगों को एक मेन फाइल जो है वो index.html की नज़र आ रही है, उसके अलावा जितने भी पेजेस हैं वो एक मेन्यू है, कॉन्टेक्ट है, CSS अगर यूज़ हो रही है तो वो CSS के फोल्डर में है,
CSS फोल्डर में CSS की फाइल्स हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो वो एक इमेजेस के फोल्डर में है, उस इमेजेस के अंदर मज़ीद इमेजेस की वो कैटेगरी डिफाइन की गई हैं, डील्स हैं, मेन्यू हैं, वट एवर जो भी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगी। तो भी इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो दिस इज़ द एच टी एम एल, ये आप लोगों को एच टी एम एल नज़र आ रहा है, मतलब आप लोगों के लिए इसको पढ़ना और समझना फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप लोग इससे भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा कोड भी कर रहे होंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये इस टाइम, तसव्वुर पास एक मिनट म्यूट। ओके जी, सो दिस इज़ एच टी एम एल, ये हमारी एच टी एम एल की मेन फाइल है। अगर मैं ये सारा कोड कॉपी करके मैं अपने नोट पैड पर ले आता हूँ, तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब देखें, इसे पढ़ना, इनफैक्ट मेरे लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए खुद पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालांकि कोड भी मैंने ही किया सारा, लेकिन क्योंकि कोई कलर्स वगैरह नहीं मुझे शो हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही, सारों का कलर सेम है, तो अकेले तसव्वुर भाई कह रहे हैं कि मैं नहीं खा रहा हूँ। ओके जी, अब ये देखें, हेड के टैग में, इस हेड के टैग में कुछ मेटा टैग्स हैं जो कि हमने आगे पढ़ने हैं इंशाल्लाह। जब हम बूटस्ट्रैप पे पहुंचेंगे, हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर रहे होंगे, आपने सीएसएस को जब लिंक करना है तो सीएसएस को लिंक इस तरह क्या करेंगे, ये सिर्फ टाइटल को देखें, बाकी सारा कोड छोड़ दें इस टाइम। हेड के टैग के अंदर हमने टाइटल यूज़ किया है, ये देखें, मतलब जितनी भी वेबसाइट है सारों में इस तरह ही होता है। अब उस बॉडी के टैग के अंदर हम, अगर यहाँ पे कहीं आपको हेडिंग में दिखा सकूँ, तो यहाँ पे ये देखें H5, हमने अभी पढ़ा है ना कि H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं, तो H5 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं कहीं आपको H1 दिखा सकूँ, ये देखें H1 यूज़ हो रहा है और साथ ही P यूज़ हो रहा है पैराग्राफ। लेकिन इस नोट पैड पर ये सारा कोड पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। अब यही कोड जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इसको पढ़ने में हमारे लिए भी बहुत आसानी है और बाकी यूज़र्स के लिए भी बहुत आसानी है कोड को पढ़ना। तो IDE जो है वो हम VS कोड ही हम यूज़ कर रहे होंगे। अब हम इसको बंद करते हैं और हम अपनी फ़ाइल जो हमारी थी, ये वाली फ़ाइल, हम इस पे आते हैं और इस कोड को VS कोड से ओपन करते हैं। राइट क्लिक किया हमने उस फाइल को, ओपन विद नोट पैड करेंगे तो ये नोट पैड पर ओपन होगी। अगर ओपन विद VS कोड करते हैं, ओपन विद कोड, तो ये अब ये कोड के साथ ओपन होगी। ये देखें, ये हमारा VS कोड। अब सिंपल ये कलर था, इसका कलर देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, लेट्स सपोज ये अभी मैंने वैसे लिखा था, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जी क्लियर है, ओके जी, अगर मैं वहाँ पे उस टाइम टैब यूज़ ना करता, मैंने टैब सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया था, अगर मैं बार बार टैब यूज़ ना करता तो फ़िलहाल वो कोड हमें इस तरह नज़र आता। अब नोट पैड पर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है कि हम उसको फॉर्मेट कर सकें, लेकिन VS कोड हमें ये फ़ीचर प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। हम जैसे ही राइट क्लिक करें और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया है, हमें बार बार कोई टैब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब देखिए, सेम वही कोड, डॉक टाइप HTML के अंदर हेड आ गया, हेड के फ़ौरन बाद बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर H1 और P और ये HTML आ गया। इसको सेव करते हैं, अगर हमने इसको भी एडिट करना है, लेट सपोज H1 है, हम लार्जेस्ट हेडिंग जो है वो H1 है और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो है वो H5 है, तो हम H1 के साथ फौरन H2
थ्री एच फोर एच फाइव और ये एच सिक्स है। हमने सिक्स हेडिंग्स यूज़ कर ली, एच सिक्स के बाद कोई भी हेडिंग नहीं है, एच सेवन नहीं है। लार्जेस्ट हेडिंग एच वन है, स्मॉलेस्ट हेडिंग एच सिक्स है। तो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स और फिर हमने एक ये पैराग्राफ यूज़ कर लिया। हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से ये फाइल सेव हो जाती है। फाइल सेव हुई, ब्राउज़र में आते हैं हम, अपने ब्राउज़र में लर्निंग एच टी एम एल फाइव इस पर हम आए। अब पेज को जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिएगा यहाँ पे वी आर लर्निंग एच टी एम एल फाइव ही मज़ीद पाँच बार और लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन उन सब के साइज़ जो ऑटोमेटिकली वन बाई वन करके डिक्रीज हो रहे होंगे। तो ये देखें एच वन एच टू है, थ्री फोर फाइव और ये सिक्स है, एच सिक्स तक ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं और ये एक पैराग्राफ है। देखें एक चीज़ नोट कीजिएगा, बल्कि याद भी रखिएगा, ये पैराग्राफ है। जब हम सी एस एस पढ़ रहे होंगे और हम कर रहे होंगे, इस सी एस एस की मदद से हम इसको भी सेम पैराग्राफ के साइज़ के जितना कर सकते हैं, स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, और इस पैराग्राफ को भी हम एच वन के साइज़ के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन वेबसाइट जब भी हम बना रहे होंगे, हमने वही एलिमेंट्स यूज़ करने हैं जो उस कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेक्शन में आप हेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपने हेडिंग ही यूज़ करनी है। अगर आप सब हेडिंग यूज़ करने लगे हैं तो आप फिर एच वन के फ़ौरन बाद एच टू यूज़ करेंगे। अब एच टू के बाद भी अगर कोई सब हेडिंग आ रही है उसकी, तो फिर आप एच थ्री यूज़ करेंगे। एच थ्री की भी सब हेडिंग आ रही है तो आप लोग एच फोर यूज़ करेंगे। अब ये जितनी हेडिंग्स वगैरह हैं, जैसा कि मैंने कहा, पैराग्राफ की मदद से भी आप इसकी सेम स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ब्राउज़र पे ये वेबसाइट और फाइल लोड हो रही है, आप इसको डिप्लाई कर देते हैं, गूगल इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपने जब एसईओ करनी है तो क्या होगा, उसको यही फील हो रहा होगा कि आपकी पूरी वेबसाइट में कोई हेडिंग है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने पैराग्राफ यूज़ किए हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगी। आप जितनी मर्ज़ी एसईओ करने की ट्राई कर लेंगे, वो उसकी एसईओ होगी ही नहीं जब तक आप प्रॉपर एलिमेंट्स प्रॉपर टैग्स यूज़ नहीं कर रहे होंगे। जी क्लियर है यहाँ तक? तो हमेशा जब सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब भी एक्चुअल में ये किसी डेवलपर का काम है भी नहीं, इसके लिए स्पेशल कंपनी वाले बंदे को हायर करते हैं जो एसईओ करते हैं। एसईओ क्या होता है, लेट सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं लेकिन डायरेक्ट वेबसाइट में नहीं जाते हैं, हम गूगल करते हैं तो फेसबुक देखें नंबर वन पे आ रही है। हम लेट सपोज गूगल लिखते हैं, गूगल करेंगे तो गूगल नंबर वन पे आएगी, ये एसईओ है इनकी। अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँ, लेट सपोज हम बात कर लेते हैं लेट सपोज टेक्ना की, टेक्ना पीके, तो यहाँ पे देखें मेन जो वेबसाइट आ रही है, फेसबुक का पेज भी हमारा आ रहा है, हमारी वेबसाइट भी आ रही है, वट एवर जो भी है। तो इसी तरह ये एसईओ हुई भी है। अगर हम एजुका की बात करें, एजुका पीके, तो हमने इसकी एसईओ नहीं की है तो इस वजह से वो यहाँ पर आ नहीं रही है। तो दिस इज़ एसईओ। जब तक हम किसी भी वेबसाइट की एसईओ नहीं करते हैं, तब तक वो वेबसाइट आप लोगों की रैंकिंग में नहीं आती है, क्योंकि यूज़र ने क्या करना है, यूज़र ने डायरेक्ट आके सर्च करना है गूगल पे, वो करेगा फर्स्ट टाइम जब भी। तो अगर वेबसाइट नंबर वन पे आ जाती है, हम अगर अपना भी हिसाब लगाएं तो जो वेबसाइट नंबर वन पे आ रही थी हम उस पर ही क्लिक करते हैं, सेकंड को तो हम देखते भी नहीं हैं। सो दिस इज़ एसईओ। और एसईओ में सबसे मेन जो चीज़ है वो आपकी एचटीएमएल है। जब तक आपने एलिमेंट सही से प्रॉपर यूज़ नहीं किए होंगे, तब तक आप लोग की वेबसाइट जो वो एसईओ मतलब कर भी लें तो वो वर्क नहीं करेगी और आप लोग की वेबसाइट रैंक में नहीं आएगी। जी बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा ना, आपकी मेन अगर हेडिंग है वो एच वन होगी, अगर आप मेन हेडिंग में ही एच थ्री यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, उसको यही लग रहा होगा ब्राउज़र को या गूगल जब एसईओ कर रही होगी कि इसमें मेन हेडिंग तो कोई भी यूज़ हुई ही नहीं है और ये सारी की सारी सब हेडिंग्स हैं, तो वो उस
वेबसाइट को रैंक में लेकर भी नहीं आएगी। ओके जी, HTML बेसिक। ऑल द HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। सेम वही चीज़ आ गई। द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिंस विद HTML और डॉक्यूमेंट बिटवीन जितना भी विजिबल पार्ट है HTML डॉक्यूमेंट का, वो बॉडी एंड बॉडी क्लोज इसमें आएगा। बट इज डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक टाइप जो है वो डॉक्यूमेंट की टाइप को डिक्लेयर कर रहा होता है। इट मस्ट ओनली अपेयर वंस। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपेयर होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग्स। कि जितने भी HTML टैग्स हैं उससे पहले टॉप पे पेज के हम डॉक टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर द HTML 5 इज डॉक टाइप HTML। ये रिविजन कह लें, ये वो चीज़ हो रही है बस, कि अब डॉक टाइप क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया हमने। अब एट्रीब्यूट्स है। अब किसी भी एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स भी हम यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? द HTML एट्रीब्यूट्स आर यूज टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन टू एन HTML एलिमेंट। HTML एट्रीब्यूट्स ओनली अपेयर एट स्टार्ट टैग्स। इट विल नेवर बी ऑन एंड टैग्स। HTML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमेशा स्टार्ट टैग्स में ही हम यूज़ करते हैं, एंड टैग्स में यूज़ नहीं करते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम उसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। HTML एलिमेंट जितने भी हैं वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स यूजली कम इन नेम वैल्यू पेयर, लाइक नेम इज इक्वल सर। ये जूम का कुछ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, 40 मिनट्स के बाद डिस्टर्ब कर देता है सारों को। इसका सोल्यूशन निकालते हैं इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और वो हर किसी को प्रॉपरली यूज़ भी नहीं करना आता है दरअसल। जूम दरअसल हर किसी ने ऑनलाइन यूज़ कर लिया एक बार, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में। जी तो मतलब अब वो अचानक से क्लोज हो जाता है तो ना इशू ये कर जाता है। जी ओके, 17 हो गया। ओके जी, जब तक किस ओके जी, जब तक किसी और का कोई सवाल है तो काइंडली आप लोग पूछ भी सकते हैं। जी एक्चुअल में ये जूम जो है ये 40 मिनट्स तक हमें फ्री अलाउ करता है। 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है जूम मीटिंग। नहीं नहीं क्लास नहीं ख़त्म हुई। आज हमने इंशाल्लाह चैप्टर 1 कंप्लीट करना है और आप लोग की HTML की बेस इंशाल्लाह बन जाएगी इंट्रोडक्शन की। साथ ही आप लोगों को इंशाल्लाह एक असाइनमेंट भी मिल जाएगी, तो वो आप लोग फिर करेंगे। ओके जी, होपफुली अब तक सारों को क्लियर होगा जो भी हमने पढ़ा है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स किसी भी एलिमेंट को मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जस्ट फॉर एग्जांपल H1 है, यहाँ पे हम एक और H1 यूज़ कर लेते हैं।
हम एक और एच बने, अब ये दो सिबलिंग्स बन गए हैं, ये दोनों सिबलिंग्स बन गए हैं, भाई भाई कह लें, बहन भाई कह लें, या बहन बहन कह लें, वट एवर, तो ये सिबलिंग्स हैं। अब दो एच वन है, अगर हमने किसी एक एलिमेंट की स्टाइलिंग करनी है तो हम किसी एक को टारगेट कैसे करें, तो वो फिर हम अगर लेट सपोज एग्जांपल ली जाए हमारी क्लास की ही, फॉर एग्जांपल दो अहमद हैं या दो उसामा हैं, मैं उसामा बोलता हूँ तो आप में से जितने भी उसामा हैं वो सारे के सारे मुझे फॉर एग्जांपल दो हैं या तीन हैं, वो मुझे कहेंगे जी यस सर। तो अगर किसी की यूनिक आईडी हम दे दें, अब दो उसामा या तीन उसामा, आप लोगों की यूनिक आईडी क्या होगी, एनीवन, आप लोगों की एक यूनिक पहचान क्या है, कोई बताएगा? सरनेम भी सेम हो सकता है, एनीवन, आप लोगों की यूनिक पहचान क्या है? रोल नंबर, रोल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपकी यूनिक पहचान क्या है? फादर नेम यूनिक पहचान तो नहीं होती है, बहुत सारे मतलब आपके फादर नेम के और भी बहुत सारे होंगे। हाँ जी, CNIC नंबर, ये हमारी एक यूनिक पहचान है, CNIC, तो एक यूनिक आईडी हम देते हैं। उसी तरह जो कोई दो एलिमेंट है, अगर हमने कोई इसको यूनिक आईडी देनी है, लेट सपोज मैं आईडी, अब इसको एक आईडी दे देता हूँ, लेट सपोज मेन हेडिंग। अब इस मेन हेडिंग को, अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट जो है उसको मैंने मेन हेडिंग दे दी है, इसकी यूनिक आईडी है, ये इसकी यूनिक आईडी है। अब ये यूनिक आईडी मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ इस पूरे डॉक्यूमेंट में। अलबत्ता अगर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, लेट सपोज इंडेक्स आपका मेन फाइल है, अबाउट का पेज बनाता हूँ या कॉन्टैक्ट का पेज बनाता हूँ, उस कॉन्टैक्ट के पेज में मैं मेन हेडिंग दोबारा यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसमें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आप इस पेज में मेन हेडिंग को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक पूरा एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट का नेम है, आईडी क्या है, एट्रीब्यूट का नेम इज इक्वल साइन आएगा, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क, और ये डबल कोटेशन मार्क, इस डबल कोटेशन मार्क दोनों के दरमियान में हम जो भी लिखते हैं ये इसकी वैल्यू कहलाती है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम और दिस इज़ एट्रीब्यूट वैल्यू, जस्ट लाइक दिस। HTML एट्रीब्यूट यूजली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम इज इक्वल टू साइन और वैल्यू, एट्रीब्यूट का नेम इज इक्वल साइन और ये डबल कोटेशन मार्क्स में सराउंडेड जो होता है वो वैल्यू होती है। यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंगल कोटेशन मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ESP व्हेन द वैल्यू कंटेन्स डबल कोट्स फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंड इट लुक एट द एग्जाम्पल कोड बिलो। अब ये देखें, एक ये भी एट्रीब्यूट है, अभी अगर मैं इसको हाइड करूं, बल्कि रहने देता हूँ, लेट सपोज H1 सेव किया, हम अपने ब्राउज़र में आ गए। अभी देखें, मैं इस पे माउस लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे माउस लेकर आ रहा हूँ, इसको भी थोड़ा हाइड करते हैं, माउस लेकर आ रहा हूँ, कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा है, इस पे मैं लेकर आ रहा हूँ, मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मैं किसी भी एलिमेंट में जाता हूँ कुछ भी शो नहीं होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट है टाइटल का, टाइटल एट्रीब्यूट है, टाइटल का नेम लिखा इज इक्वल टू साइन आ गया और डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने लिख दिया I am a tool tip। अब टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, एक हमें ये टूल टिप प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखें, डबल कोटेशन मार्क्स मैंने यूज़ किया, डबल कोटेशन मार्क मैंने यूज़ किया, अब इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं एक ये सिंगल कोटेशन मार्क में यूज़ कर सकता हूँ, सिंगल कोटेशन मार्क में यूज़ कर सकता हूँ। अगर यही मैं सिंगल कोटेशन मार्क यहाँ पे यूज़ करता और मैं यहाँ पे भी यूज़ करता तो ये मुझे एरर दे देता, अब ये इसने वर्क नहीं करना है, अब ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है, ये देखें, अब ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से ये डिपेंड करता है कि आप लोग
कोडिंग क्या कर रहे हैं और टाइटल में लेट्स सपोज आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं या वैल्यू जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर सिंगल कोटेशन मार्क आ जाती है तो आप लोग डबल कोटेशन में लिखेंगे, अगर उसके अंदर डबल कोटेशन मार्क आती है तो आप लोग सिंगल कोटेशन मार्क में लिखेंगे। सो टाइटल क्या करता है, ये एक टूल टिप प्रोवाइड करता है। अब टूल टिप प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, ओके जी, जब भी हम उस एलिमेंट में अपना माउस लेके जाएंगे तो टूल टिप में हमने जो भी लिखा है, आई एम अ टूल टिप, हमने जो भी लिखा है ये हमें शो होगा। H1 हमने ऊपर मेन जो है उसमें नहीं लिखा है, हमने नीचे वाले में लिखा है, तो ये नीचे वाले में शो होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इस पर माउस लेकर आए कुछ भी नहीं हो रहा है, इस पर लेकर आते हैं तो ये देखें आई एम अ टूल टिप। इसमें कुछ और भी लिखना चाहें, लेट्स सपोज अगेन लिख दें दिस इज़ अ हेडिंग, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, अब इसमें दोबारा माउस को लेकर आते हैं तो ये देखें आई एम अ टूल टिप, दिस इज़ अ हेडिंग, सो दिस इज़ एट्रीब्यूट। तो आई सर्व एज अ टूल टिप, आई एम अ टूल टिप, अब इट्स गोइंग टू ब्रेक, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी दी तो वो फिर अगर सिंगल क्वेश्चन मार्क में लिख देते हैं तो वो आपका कोड ख़राब हो जाएगा। उसी तरह जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे होते हैं, एक पेज से लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है उसमें लॉगिन सिस्टम बना हुआ है, तो उसमें क्या है कि अगर हम उसमें फिर हम ए का टैग यूज़ करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए, तो हम ए का टैग यूज़ करेंगे, इसे एंकर टैग भी कहा जाता है। ए का टैग यूज़ करेंगे, उस ए के टैग में हम एट्रीब्यूट में उस पेज का लिंक देते हैं। एचरेफ क्या होगा, एनीवन कोई बताएगा एचरेफ क्या होगा, इसमें बोल भी सकते हैं काइंडली ज़रा जल्दी कि ये नहीं रेफरेंस तो होगा एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट का ये एचरेफ क्या है, जी ये एट्रीब्यूट का नेम है और ये इसकी वैल्यू है। हमने एट्रीब्यूट का नेम दे दिया ए एच आर एफ और उसके अंदर वैल्यू दी लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो अब इस एंकर टैग के ये अब लॉगिन जो है ये हमें टेक्स्ट हमारे वेब पेज पे शो होगा। हम इसे मैं आपको कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता भी हूँ, ये देखें ए का टैग एच आर एफ लॉगिन डॉट एच टी एम एल। इस टाइम लॉगिन डॉट एच टी एम एल हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में कुछ भी नहीं है, ना हमने बनाया है, तो ये शो भी नहीं होगा हमें, ना हमें पेज पर लेके जाएगा, लेकिन ये लॉगिन जो है ये हमें शो होगा लिखा हुआ, लेकिन जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें किसी भी पेज पे नहीं लेके जाएगा। अब ये देखें ये एक एंकर टैग है, हम जैसे ही एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज पे लेके जाएगा, लेकिन लॉगिन डॉट एच टी एम एल हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं है तो वो फिर हमें कहीं पे भी नेविगेट नहीं करेगा जब तक हम लॉगिन डॉट एच टी एम एल फाइल को बना नहीं लेते हैं। तो ऊपर हमने देखा कि एक ही एलिमेंट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकता है, तो अब ये देखें ए का टैग ही है दोबारा से एचरेफ में, उसमें वेबसाइट आ गई और टारगेट आ गया ब्लैंक। अब ये टारगेट ब्लैंक क्या कर रहा है, ये इसको मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब टारगेट ब्लैंक से क्या होता है, अगर हम लेट सपोज इसकी एग्जांपल लें, इस हम यहाँ पर आते हैं और इसे हम पेस्ट करते हैं गो टू वेबसाइट वट एवर, जो भी आपने यहाँ पे जो भी लिखना है वो ब्राउज़र में आपको शो हो रहा होगा, वो यहाँ पे शो होगा। अब जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज पे जो उस वेबसाइट पे नेविगेट करके ले जाएगा। तो वापस हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, जब हम इसको एक और एट्रीब्यूट पास कर देंगे टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, हमने एक और एट्रीब्यूट पास कर दिया और उसको वैल्यू दे दी ब्लैंक की। तो अब इसने क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे वेब पेज के टैब में ही लोड नहीं होगा, ये एक न्यू टैब ओपन करेगा और उसमें वो वाली वेबसाइट लोड होगी। ओके जी क्लियर है ये।
ओके, देर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द यू आर एल इन द एच रेफ एट्रीब्यूट. ये एच रेफ एट्रीब्यूट, इसमें दो तरह से हम यू आर एल को स्पेसिफाई कर सकते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट यू आर एल, लिंक्स टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट डैट इज़ होस्टेड ऑन एन अदर सर्वर. रिलेटिव यू आर एल क्या होता है, लिंक्स टू एन एच टी एम एल पेज डैट इज़ होस्टेड विद इन द वेबसाइट. कि मतलब आप लोग के अपने प्रोजेक्ट के जो पेजेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन का पेज है, साइनअप का पेज है, फॉरगेट पासवर्ड का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट का पेज है, वट एवर, जो भी हम जब भी वेबसाइट बना रहे होंगे तो हम उसका कोई ना कोई पेज क्रिएट कर रहे होंगे, तो आप लोग की अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो हमेशा रिलेटिव होंगे. इस तरह हम लिखेंगे. तो जब हम किसी और वेबसाइट का लिंक वगैरह दे देते हैं, या फिर लेट सपोज हम यहाँ पर इस https में जाके google.com कर देते हैं. अब google.com जब हम कर रहे होंगे, गो टू वेबसाइट पे करेंगे, तो ये हमें google.com पे लेके जाएगा. ये देखें, ये google.com आ गया. अब ये एक न्यू टैब में आया है. अगर मैं टारगेट ब्लैंक को, ये टारगेट जो है इसको मैं रिमूव करता हूँ और वेबसाइट पे आके दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये मेरी वेबसाइट के टैब वाले को ही उसको लोड करेगा और न्यू वेबसाइट लाके हमें दे देगा. अब क्या होगा कि हमारी वेबसाइट ख़त्म हो गई है, हम अपनी वेबसाइट को दोबारा विज़िट करना चाहते हैं, तो या तो हम दोबारा से वो लिंक लिखेंगे या फिर हमें दोबारा से बैक जाना पड़ेगा. तो दिस इज़ द वे. क्लियर है यहाँ तक एट्रीब्यूट्स तक? ओके जी. एलिमेंट्स, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं. ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स. अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज एनी एलिमेंट डेट स्टार्ट्स अ न्यू लाइन एंड यूजेस द फुल विथ ऑफ द पेज और कंटेनर, फॉर एग्जाम्पल H1, P, div. अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैन टेक अप वन लाइन और मल्टीपल लाइन्स एंड हैज़ अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट. अब यहाँ पे अगर देखें हम H1 लिखा, आप इस H1 को ही, ये तो हमने मतलब न्यू लाइन में लिख रहे हैं ना ताकि हमें पता लगे, आप इसको सेम लाइन में ही लिख लें, बेशक इसको सेम लाइन में ही लिख लें, लेकिन H1 जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपकी वेबसाइट पे फुल विथ ले लेता है. फॉर एग्जांपल व्यू पोर्ट जितना भी है, आपकी बॉडी का जितना भी हिस्सा है, लेफ्ट टू राइट, अगर मैं ये करूँ ओके जी, लेफ्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने फुल विथ लेनी है. पेज को रिफ्रेश भी कर लें, जिस तरह हमने यहाँ पे देखें सेम लाइन में भी लिख लिया है, लेकिन तब भी ये नेक्स्ट लाइन में ही आएगा. इसी तरह H1 हेडिंग जितने भी हैं, पेज जितने भी हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं. ए जो एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट जो है, ये इनलाइन एलिमेंट है. आप लेट्स सपोज कॉपी करें, इसे बेशक न्यू लाइन में लिख लें, या फिर इसे आप सेम लाइन में ही लिख लें, तो इसलिए इनलाइन एलिमेंट है. इनलाइन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही विथ लेते हैं, उतनी चौड़ाई लेते हैं जितना उनमें कंटेंट होता है. तो गो टू वेबसाइट को जितनी भी स्पेस चाहिए, वो एलिमेंट उतनी स्पेस लेगा और उसके फौरन बाद दोबारा नेक्स्ट इनलाइन एलिमेंट को शो कर देगा. तो अब आप इसको सेम लाइन में लिख लें या नेक्स्ट लाइन में लिख लें, या फिर इस तरह जितनी मर्जी स्पेस दे दें, इसने क्या करना है, इसने सेम लाइन में ही शो होना है. तो अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा गो टू वेबसाइट के साथ दो और मज़ीद गो टू वेबसाइट लिखे हुए आ जाएंगे. ये देखें जी, क्लियर है? हम यहाँ पर आते हैं, नेट क्लियर ऑल ड्राइंग्स. ओके जी,
द डिव एलिमेंट इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हम अपनी वेबसाइट में डिव एलिमेंट बहुत यूज़ कर रहे होंगे, और हर डेवलपर और हर डिज़ाइनर यूज़ कर रहा होता है। तो डिव एलिमेंट देखें, दिस इज़ अ डिव एलिमेंट। आउटपुट देखें इसकी, कंटेंट सिर्फ इतना है, लेकिन विथ ये 100% ले रहा है अपने उस व्यू पोर्ट की, उस बॉडी एरिया की। इनलाइन एलिमेंट्स ऑल्टरनेटली रेफर टू एज इन लाइन। इन लाइन को इन लाइन इस तरह भी, इन लाइन इज़ एन एलिमेंट दैट डिस्प्लेज इन अ लाइन, कि वो एक ही लाइन में डिस्प्ले होते हैं। एंड इन लाइन एलिमेंट्स ओनली टेक अप एज मच विथ एज नेसेसरी। द स्पैन एलिमेंट इज़ एन इन लाइन एलिमेंट। पी के अंदर आई लव माई कंट्री। अब इस कंट्री को आप लोग देखें, एलिमेंट के अंदर मज़ीद एक और एलिमेंट आ गया है, लेकिन स्पैन एलिमेंट जो है ये इन लाइन एलिमेंट है। ए जो है वो भी इन लाइन एलिमेंट है। हमने ऊपर पढ़ा था आई, एक एलिमेंट पढ़ा था, आई का टैग हमने देखा था, तो वो भी इन लाइन एलिमेंट ही है। अगर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट इस पी के अंदर मज़ीद आई लव माई के अंदर एक और यहाँ पे पी ही लिखते, तो क्या होता, ये कंट्री जो है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता। और वन मोर थिंग, हम कभी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट इस तरह पी के अंदर हम पी को दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप उसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आना चाहते हैं, तो आप एक और पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे इस क्लोजिंग के बाद। और हम कभी भी इन लाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखेंगे तो वो भी फिर नेक्स्ट लाइन में ही आ जाएगा। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। लेट सपोज पी का टैग, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब आप एक और पैराग्राफ लिखते हैं, या लेट सपोज यहाँ पे ही लिखते हैं, आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह यहाँ पे ले आते हैं, तो दिस इज़ अ पैराग्राफ। वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे ये देखें, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर, या लेट सपोज हम एक और पी का टैग लिखते हैं, आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री लिखा, आई लव माई कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ शो हो जाएगा, ये देखें आई लव माई कंट्री। अब इस कंट्री को अगर मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, तो वैसे तो वो हमने CSS के ज़रिए ही करना है, लेकिन HTML का एक एलिमेंट है आई का टैग, वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इटैलिक करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, वो जिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आई का टैग आई कंट्री। अब ये कंट्री जो है ये थोड़ा सा इटैलिकाइज हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेगा कंट्री, अभी ये नॉर्मल लिखा हुआ है सेम लाइन में, सेम फॉर्मेट में। जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये टेक्स्ट देखें, इसका ये टेक्स्ट भी इटैलिक हो गया। तो ये इन लाइन एलिमेंट है। अगर इस आई की जगह मैं पी लिखता, वैसे तो हम लिखते नहीं हैं, अगर हम लिखते तो ये कंट्री जो है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट और ये इन लाइन एलिमेंट इस तरह वर्क करते हैं। उसके बाद मज़ीद कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स, कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स। व्हेन बिल्डिंग वेब पेजेस वी यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नॉन सिमेंटिक सिमेंटिक HTML एंड सिमेंटिक HTML। द वर्ड सिमेंटिक मीन्स रिलेटिंग टू मीनिंग, कि सिमेंटिक का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू मीनिंग, कि हम जो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। लेट सपोज जब अगर हम इन सब को इस तरह करें, यहाँ पर आते हैं, हमने अपने वहाँ पे वेबसाइट में सबसे पहले देखा था, यहाँ पे quizzer.com, ये अब ये हेडर है, ये मेन कंटेंट हो गया, और ये फुटर हो गया। अब हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, या फिर इसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो, पहले क्या होता था, डिव हम यूज़ करते थे, इसको एक यूनिक आईडी दे देते थे। अब डिव क्या कर रहा होता है, ये डिवीजन कर रहा होता है, हमारे सेक्शन को डिवाइड कर रहा होता है। तो डिव आईडी हम हेडर कर देते थे। हमने कोई मेन कंटेंट ऐड करना हो,
हमने कोई मेन कंटेंट ऐड करना हो, डिव आईडी हम इसको मेन दे देते थे, हमने फुटर ऐड करना हो अपनी वेबसाइट का तो डिव इसको हम आईडी दे देते थे फुटर। अब इस फुटर के अंदर लेट सपोज नॉर्मली जिस तरह हम अपनी वेबसाइट में लिख रहे होते हैं, या फिर अगर यहाँ पे भी देखा जाए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉपीराइट, इसका ये सिंबल आ गया, 2021 क्विजर वेबसाइट का नेम आ गया, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो हम भी इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज डिव टैग आ गया, डिवाइड कर रहे हैं कंटेंट को, इसके अंदर हम एक पी का टैग यूज़ कर सकते हैं, पी का एलिमेंट। इस पी के एलिमेंट में अगर हमने कॉपीराइट का ये सिंबल यूज़ करना है, कॉपीराइट का ये सिंबल यूज़ करना है, तो इसके लिए कुछ करेक्टर्स वगैरह हैं, एंटिटी करेक्टर्स कहते हैं उसे, तो उसकी लिस्ट वगैरह पड़ी है, वो तो हम बाद में ही पढ़ेंगे। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एंड लिखकर कॉपी, एंड लिख के कॉपी लिखेंगे तो ये कॉपी का साइन आ जाएगा। उसके बाद ईयर हम लिखते हैं 2021, और हम अपनी वेबसाइट का नेम लेट्स सपोज HTML लिख देते हैं। उसके बाद ऑल राइट्स रिजर्व, हमने ये लिख दिया इस फुटर के अंदर, हमने एक डिव बनाई, उसको आईडी दे दिया फुटर। HTML क्या करता है, HTML आपके एट्रीब्यूट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है, और उसकी बेस पे SEO वो कर रहा होता है, उसकी बेस पे रैंकिंग कर रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, ओके जी ये देखें, बाई डिफॉल्ट आप लोगों का काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, मैंने जूम किया था, तो ये देखें, ये इस तरह कॉपीराइट 2021 HTML ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है, फुटर में आ गया। हेडर में आते हैं, लेट्स सपोज हेडर में नॉर्मली नेविगेशंस वगैरह आ रही होती हैं, तो ए का टैग उसमें यूज़ होता है। हमने मेन्यू में जाना होता है तो या कॉन्टैक्ट के पेज में, तो कॉन्टैक्ट का पेज डॉट HTML होगा, और हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा होगा, तो हेडर हमारा ये मेन पे आ रहा होता है। इस तरह हमने एक और एलिमेंट लिखना है, तो हम यहाँ पे ए, हमने अबाउट में जाना है तो हम अबाउट डॉट HTML लिख रहे होते हैं, और इसको हम अबाउट टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट हमें सिर्फ शो होगा, लेकिन जब हम इस क्लिक पे करेंगे तो ये इस वेबसाइट पे लेके जाएगा, और ये इस वेबसाइट पे लेके जाएगा। मेन में क्या है, हमारा मेन का जितना कंटेंट है, H1 हो गया माय वेबसाइट हेडिंग, पी का टैग, लेट्स सपोज हम डमी डाटा कुछ ऐड कर देते हैं, तो जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे ये देखें, ये हमारा हेडर का कंटेंट आ गया, ये हमारा मेन कंटेंट आ गया, और ये फुटर का कंटेंट आ गया। लेकिन अब वेबसाइट में और गूगल को नहीं पता लग रहा है कि हमने इसमें कोई हेडर भी यूज़ किया, या मेन कंटेंट यूज़ किया है, या फिर फुटर यूज़ किया है, तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स आ गए हैं। अब सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या करते हैं, सिंपल हमने डिव को आईडी हेडर जो दिया है, HTML5 में हेडर के नाम से ही एलिमेंट आ गया है, हेडर हमने ओपन किया, हेडर हमने क्लोज कर दिया, मेन हमने ओपन किया और मेन हमने क्लोज कर दिया। उसी तरह ये फुटर एलिमेंट, फुटर हमने ओपन किया और फुटर का टैग हमने क्लोज कर दिया। अब ये सेम वर्क करेगा, लेकिन क्या होगा, गूगल को पता लग रहा होगा कि इस वेबसाइट में हेडर भी यूज़ हुआ है, मेन भी यूज़ हुआ है, और फुटर भी यूज़ हुआ है। सो दिस इज सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ क्यों करना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए। सिमेंटिक HTML मेक्स वेब पेजेस एक्सेसिबल फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एज वेल। दिस इज बिकॉज स्क्रीन रीडर्स एंड ब्राउजर्स आर एबल टू इंटरप्रेट द कोड बेटर। कि जो डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, अगर वो स्क्रीन रीडर की मदद से आपकी वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ सुन के मतलब सिर्फ सुन सकते हैं, तो जब वो सुनेंगे
और जब वो यहाँ पर आएंगे, जब वो एलिमेंट्स को पढ़ रहे होंगे, उन्होंने पढ़ना है डिव, उसके बाद दोबारा उन्होंने डिव पढ़ना है, उसके बाद फिर से मज़ीद डिव पढ़ेंगे। लेकिन अगर हेडर होगा तो वो हेडर को पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे, और वो फुटर को पढ़ रहे होंगे डायरेक्ट। उसके बाद एसईओ, ये आपकी वेबसाइट की एसईओ को इम्प्रूव कर रहा होता है। और इजी टू अंडरस्टैंड, सिमेंटिक एचटीएमएल आल्सो मेक्स द वेबसाइट सोर्स कोड इजियर टू रीड फॉर अदर वेब डेवलपर्स। क्योंकि जिस तरह कल बात हो रही थी, लेट्स सपोज आप लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं, और टीम वर्क करते वक्त जब आप बार बार डिव को ही यूज़ कर रहे होंगे, तो वो डिव ही पढ़ा जाएगा, हमें बार बार एट्रीब्यूट्स भी देखने पड़ेंगे। अगर यही हम सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करें, तो हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को पढ़ रहे होंगे और हमें पता लग रहा होगा कि हमने कौन सा एलिमेंट्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। सो दिस इज़ सिमेंटिक एलिमेंट्स। HTML5 में कुछ मज़ीद एलिमेंट्स आई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैनी वेबसाइट कंटेन HTML कोड, दिस इज वट आई शो यू, हेडर, नेव, मेन, फुटर। हेडर आ गया, हेडर के बाद नेव अगर यूज़ करना है नेव, मेन यूज़ करना है मेन, और फुटर यूज़ करना है, तो फिर हम फुटर ही यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि डिव आईडी हेडर, डिव आईडी नेव, डिव आईडी मेन, और डिव आईडी फुटर, टू इंडिकेट हेडर नेविगेशन मेन कंटेंट एंड फुटर। HTML5 में कुछ न्यू एलिमेंट्स आए हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आर्टिकल, साइड डिटेल्स, फिक कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेव, सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए सेक्शन, समरी और टाइम। तो ये कुछ HTML5 के न्यू एलिमेंट्स हैं। ओके जी, सो दिस इज़ द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू HTML। एंड दिस इज आवर कोड। जी क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। तो बाकी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग वीडियो हुई है, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी आप लोगों को इंशाल्लाह। मैं अपलोड करके सर रिजवान को इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोगों से शेयर कर लेंगे। तो सर, अगर पॉसिबल हुआ इस तरह का कुछ, आप बेशक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें कोई, या वट एवर, जो भी मतलब ईजी हो सबके लिए। तो उसमें मतलब स्टूडेंट्स बेशक क्वेश्चन वगैरह खुद से भी कर सकें, कोई इशू वगैरह वो रिजोल्व भी होता जाएगा साथ साथ, और लेक्चर्स वगैरह की वीडियोज़ वगैरह भी वहाँ पे मिलती जाएंगी, साथ में कोड वगैरह भी। जी 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 अच्छा, हाँ जी जी मतलब ये वो ठीक है, जो भी बेहतर है इंशाल्लाह और डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जी किसी का कोई भी सवाल हो यहाँ तक, कोई क्यूरी हो, तो बिला झिझक आप लोग पूछ सकते हैं, और काइंडली पूछ लिया करें जिसकी की समझ ना लगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, और हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से जुड़ा हुआ है। सर रिजवान ने बड़ी मेहनत की है, तो काइंडली उनकी मेहनत को ज़ाया ना करें। और जी 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 जी
जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाज़िर हूँ। सिंपल एक मैसेज बस क्या करें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, किसी भी चीज़ की समझ ना लग रही हो डायरेक्ट मैसेज करते हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटी होती है कि मैसेज में एक बंदा समझा सके वो ज़रूर समझाया जाता है। बाकी सर ने मतलब कहा कि लेक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ 16 आवर्स का है, लेकिन आपको 100% डेडिकेशन देनी पड़ेगी। मतलब ये कोर्स या ये सिस्टम जो है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ लेक्चर लें और आपको समय लग जाए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज तो सिंपल आप लोगों ने ये हेडिंग के टैग्स देखे हैं, एंकर टैग्स देख लिया, हेडर, मेन, फुटर, ये सारे दोबारा रिपीट होंगे, वन बाय वन करके दोबारा ये सारे रिपीट होंगे। लेकिन जितना आज आपने पढ़ लिया है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि HTML एक्चुअल में है क्या, किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह काम करता है, तो ये ज़रूर देखिएगा। ये ना हो दूसरे स्टूडेंट्स की तरह कि आप लोग बाद में index.html की फ़ाइल का नेम भी index.html ना रखें, या HTML को HT या L लिख दें बस से। तो इस तरह की गलतियों से भी इज्तनाब कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, यही मैं कहूँगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। जी सर, कंटिन्यू करें। जी, ओके जी, मैं आपको बताता हूँ दोबारा। HTML क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को आप लोग मज़ीद इंफॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए का टैग है, एंकर टैग है। एंकर का टैग किस लिए यूज़ होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए। अब इस ए के टैग में आप जब तक href, ये एट्रीब्यूट है, ये href नेम है और ये इज इक्वल टू साइन के बाद ये वैल्यू है इसकी, जब तक आप href नहीं देंगे इस एंकर टैग को क्या पता लगेगा कि इसने किस वेबसाइट पे नेविगेट करके जाना है। ओके जी, ए का टैग है, इसमें ये एट्रीब्यूट है href। तो href क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि हाइपरलिंक रेफरेंस यूज होने वाला है और उसकी आगे वैल्यू है। अब जब भी आप इस गो टू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, या लेट्स सपोज अब यहाँ पे हम google.com है, इसको facebook.com कर देते हैं, इसको हम लेट्स सपोज microsoft.com कर देते हैं, तो टेक्स्ट तीनों का सेम लिखा हुआ है इस टाइम, गो टू वेबसाइट, गो टू वेबसाइट, गो टू वेबसाइट। लेकिन इस ए के टैग में जब href हम यूज़ कर रहे हैं तो इस एंकर टैग को पता है कि इसने किस वेबसाइट पे लेके जाना है। अगर आप ये एट्रीब्यूट पास ही नहीं करते हैं, लेट सपोज इस एट्रीब्यूट को रिमूव कर दें, तो अब गो टू वेबसाइट ये आपको किस वेबसाइट पे लेके जाएगा, ये आप कहाँ पे लिखेंगे। गो टू वेबसाइट आपने यहाँ पे गूगल लिखा था, गो टू गूगल वेबसाइट, तो ये आपको ऐसे तो गूगल वेबसाइट पे नहीं लेके जाएगा जब तक आप इसमें ये ए एच रेफ एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करेंगे और आगे उसकी वैल्यू नहीं देंगे। सो दिस इज़ एट्रीब्यूट। गो टू गूगल वेबसाइट ये गूगल पे लेके जाएगा, गो टू फेसबुक, गो टू वेबसाइट ये आपको फेसबुक में लेके जाएगा, और गो टू वेबसाइट ये आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम में लेके जाएगा। ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम वेबसाइट आ गई। तो बैक में आते हैं, हमने पढ़ा है कि हम एक ही एलिमेंट में मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हो, अब ये एब्सोल्यूट यूआरएल है, कि जब हम अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट, यूज़र जब भी आए उसे हम अपनी वेबसाइट से जाने नहीं देते हैं। तो अगर हमने किसी और वेबसाइट का लिंक देना है तो हम एक और मज़ीद एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टारगेट का नाम है जिसका, एट्रीब्यूट का नेम है टारगेट, और इसको हम ब्लैंक अंडरस्कोर के बाद ब्लैंक लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, अब ये गो टू गूगल वेबसाइट, ये गूगल वेबसाइट क्या होगी, ये कि ये न्यू टैब में ओपन होगी। तो यहाँ पे देखें, अब ये न्यू टैब में ओपन हुई है और हमारी अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी से है। तो यूज़र जब भी आता है आपकी वेबसाइट पे, तो उसे हम अपनी वेबसाइट से कभी भी जाने नहीं देते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कोड नहीं करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट से जाए। अगर आप अपनी वेबसाइट पे ही नेविगेट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको ये ब्लैंक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सम टाइम कुछ सिनेरियो ऐसे आ जाते हैं कि
कि आप अपनी वेबसाइट के भी कुछ लिंक्स है, लेट्स सपोज टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए जो पढ़ाने वाले होते हैं, तो वो आप किसी न्यू पेज पे उसको लेके चले जाते हैं न्यू टैब में। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, लेट्स सपोज लॉगिन का पेज हो गया, साइनअप का पेज हो गया, तो आप अपनी वेबसाइट पे ही रहने देते हैं और उसको टारगेट ब्लैंक नहीं करते हैं, तो ये एट्रीब्यूट होता है जी। क्लियर है? ओके जी, जज़ाकअल्लाह। नहीं, मैं सर दूंगा इनको इंशाल्लाह, ज़रूर मैं दूंगा इनको। मैं हाँ जी, असाइनमेंट बेस पे की भी मिलेगी इंशाल्लाह, जितने हमने ये टैग्स वगैरह एलिमेंट्स पढ़े हैं हम इसकी बेस पे एक असाइनमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह जी। जी लेस देन 1 मिनट रह गया है नहीं तो हम दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह किसी का। हाँ जी जी सर, क्लोजिंग करें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। आमीन आमीन। और हमें जो हम सीखें।